हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। फटाफट यहां पे मार्केट का जायजा लेते हैं क्योंकि बीटीसी ने अच्छी खासी एक करवट वापस से बदल दी है। 31,000 से ऊपर चल रहा है, 31,000 लगभग 300 के आसपास इसने हिट किया है। आगे का क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ये क्रिप्टो है, यहाँ पे पल पल पे चीज़ें बदलती हैं। कल हमने बात किया था बीटीसी के लॉन्ग टर्म विजन को लेके, किस हिसाब से जा सकता है, तो आपका माइंड थोड़ा सा खुल गया होगा। आज वापस से बीटीसी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, यानी कि आने वाला ये जो वीक है इसमें बीटीसी किस हिसाब से मूव कर सकता है, चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, ठीक है, ताकि आप लोग स्कैल्पिंग बढ़िया कर सको और एक क्विक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा कमा सको। ओके, और इसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने काफ़ी बॉटम पे हैं और वो पुराने कॉइन्स भी हैं, मजबूत कॉइन्स भी हैं, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर भी अच्छी खासी करवट बदल सकते हैं वो सारे कॉइन्स, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट का एक मैदान देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। बीटीसी में अच्छी खासी हरियाली है, ओके, इथेरियम जो है 1952 के आसपास है, बीएनबी अपनी जगह है, एक्सआरपी के बारे में कल मैंने कवर अप किया था, इसके ऊपर भी नज़र रखना, ठीक है। तो ये एक पूरी कह सकते हैं कि मिला जुला माहौल है, डोमिनेंस 48.9 के आसपास है, रियल डोमिनेंस इसकी होगी मेरे ख्याल से 49-50% के आसपास बीटीसी की डोमिनेंस होगी, ठीक है। अब इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करें, उससे पहले वापस से आप लोग कहूँगा कि शाम को जो है फॉरेक्स के ऊपर वापस से वीडियो आने वाली है, जहाँ पे हम जो मेजर पेयर्स हैं उसके अंदर हम एनालिसिस वगैरह करेंगे, किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि यूरो यूएसडी पेयर जो है, यूएसडी जेपीवाई है, गोल्ड के अंदर क्या करना है, सिल्वर के अंदर क्या करना है, ठीक है। तो वो सारे पेयर्स हम कवर अप करेंगे और उनके टारगेट वगैरह भी निकालेंगे, क्योंकि शाम को यूएस मार्केट ओपन होता है, उससे पहले जो होमवर्क है वो हो जाना चाहिए। तो कोशिश करूँगा उससे पहले मार्केट, यूएस मार्केट ओपन होने से पहले आपके साथ वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूँ, ताकि आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करके मोटा मोटा पैसा कमाएं। मतलब कि एज ए ट्रेडर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो भाई सुबह से लेकर शाम का जो वक्त होता है उसमें आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए कि जहाँ जहाँ मौका मिले, ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ जहाँ मौका मिले फॉरेक्स में मिलता है उसमें पैसा कमा दो, कमोडिटीज ट्रेड में करना है उसमें पैसा कमाओ, क्रिप्टो में है उसमें पैसा कमाओ, ठीक है, ताकि आपको लगे कि आप सही में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक माहौल बनाओ, ठीक है, ट्रेडिंग करने का। डेट्स वाई मैं हमेशा से कहता हूँ कि भैया कुछ लोग हैं सिर्फ क्रिप्टो क्रिप्टो को पकड़ के चलते हैं, अच्छा है क्रिप्टो, अच्छा है, बट ठीक है उसमें अपडाउंस होते हैं, लेकिन साइड में भाई फॉरेक्स को भी पकड़ के चलो, स्टॉक मार्केट है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसको भी पकड़ के चलो, ताकि चारों तरफ से आप पैसा कमाओ। और जब तीनों मार्केट को पकड़ के चलते हो तो मार्केट का आपको एक अंदेशा भी मिलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। खैर इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे, दिस इज जस्ट ऑक्टाफेक्स, अगेन कहता हूँ कि इसमें आप रजिस्टर कर लेना, अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना, और यहाँ पे 25 न्यू पेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, उसके साथ यहाँ पे आप डिजिटल करेंसी जितने भी हमारे क्रिप्टो के उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। 1:500 की यहाँ पे लेवरेज है, $20 मिनिमम डिपॉजिट है जिसमें आप ट्रेड करके सीख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ये कहूँगा कि डेमो अकाउंट यहाँ पे आप टेस्ट करना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 350+ आवर्स ऑफ एजुकेशनल मटेरियल है, यानी कि आप सेमिनार ज्वाइन करते हैं, किसी को प्रीमियम में पैसा पे करते हैं सीखने के लिए, तो वो एक से बढ़कर एक जो बंदे हैं यहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोज़ वगैरह मिलेगी इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं और इस वेबसाइट को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ठीक है, आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, ये सारे सेक्शन देख लेना, कॉपी ट्रेडिंग है, एनालिसिस एंड एजुकेशन है, ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे। तो यहाँ पे मैंने एक वेब प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, यानी कि MT4 जो ऑक्टाफेक्स का है, इसको आप इस हिसाब से देख सकते हैं, सारे करेंसी पेयर्स हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, सिंबल्स में आपको जाना है और यहाँ पे आप जाइए, जो जो सिंबल्स आप ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि फॉरेक्स की यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, जो बचे हुए वो यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे क्रिप्टो में जाएंगे तो यहाँ पे सारे लिस्ट हैं, आवे है, देन कार्डानो है, एल्गोरेंड है, बहुत सारे यहाँ पे आपको पेयर्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडाइसेज यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके अंदर करना है US 30 में कर सकते हैं, मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर भी मिल जाएगा आपको, फॉरेक्स एक्सटेंडेड 1 or 2 यहाँ पे एक्जॉटिक पेयर्स होते हैं वो भी आप ट्रेड कर सकते हो, एनर्जी जो है उसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ये प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, अगेन कोशिश करूँगा आज शाम को जो भी एनालिसिस करते हैं हम इसके ऊपर करें, ताकि आपका भी हाथ इस पर बैठ जाए, ठीक है। तो ऑल्ट कॉइन्स की जो एनालिसिस बता रहा हूँ वो सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको बिटकॉइन पे अवेलेबल मिलेंगे, तो बिटकॉइन में अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ इसको क्रिएट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत से जो जेम कॉइन्स है वो आपको
मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉरेक्स के लिए, ऑक्टोफेक्स यूज़ कर रहा हूँ और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लेवरेज चाहिए, मार्केट का माहौल पता है, तो 1:500 के लेवरेज मुझे ऑक्टोफेक्स पे मिल जाती है, तो मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ और बैलेंस इतना खास नहीं है मेरे ख्याल से, सिर्फ 27,000 के आसपास ही हैं, क्योंकि मैं बीच में विड्रॉ करते रहता हूँ जैसे जैसे पैसा कमाता रहता हूँ। तो आप छोटा मोटा अकाउंट ओपन करके $100 का बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करके 1:5 लेवरेज सेट करके नो स्वैप कर सकते हैं यहाँ पे, और फिक्स्ड रेट उसको हटा देना, ऑफ कर देना, और आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो MT4 पे आप ट्रेड करना, ठीक है। तो सीधा हम ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा BTC का एक हाल ले लेते हैं, ताकि आप स्कैल्पिंग बढ़िया कर सकें और डे ट्रेडिंग जो है वो बढ़िया कर सके, ठीक है। तो हमने पहले BTC के बारे में पूरा बात कर लिया है कि भाई वो कहाँ जा सकता है, उसकी लॉन्ग टर्म विजन क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। बट अगेन अब 4 आवर्स के चार्ट पे हम देखते हैं, क्योंकि हमने वीकली चार्ट पे पकड़ के चला था, ओके। वीकली यानी कि एक कैंडल 1 वीक का होता है, तो 1 वीक के अंदर भी हमें मार्केट के अंदर उथल पुथल देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ देखिए, ये 4 आवर का चार्ट है BTC का, ये ऊपर का हॉरिजॉन्टल चैनल हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रेड कैंडल बना है, ओके, और उसके बाद से वापस एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो अभी आपको अगर BTC में, मैं तो ऐसे कहता हूँ कि 32,300 को तोड़ेगा तब लॉन्ग करना। अगर आप स्कैल्पिंग की भी सोच रहे हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि एटलीस्ट ये जो कैंडल है, ठीक है, हमें प्राइस चाहिए एटलीस्ट इससे ऊपर, 31,200 से ऊपर। अगर इससे ऊपर होता है तो क्या रहेगा कि ये रेड कैंडल जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, वापस से जो प्राइस होगा इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तक आता है, डेट मीन्स कि आप BTC के प्राइस को वापस से 31,500 के आसपास देख सकते हैं, या थोड़ा उससे ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग में अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। ये सिनेरियो, अगर ये जो ग्रीन कैंडल है जिसको कंप्लीट होने में 2 घंटे का वक्त और बचा है, अगर ये वापस से रेड कैंडल बनता है, और मैं कहता हूँ अगर 30,800 से नीचे की तरफ आता है, तो हमें वापस से थोड़ा बहुत तो माहौल नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, वो भी अगेन स्कैल्पिंग में आप शॉर्ट कर सकते हैं, और जिसका टारगेट होगा वापस से 30,000 के आसपास होगा, ठीक है, इस रेंज के अंदर घूमेगा। अगर इस लेवल को वापस से तोड़ता है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप यहाँ से अच्छा भरपूर एक शॉर्ट ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको रेंज बाउंड के अंदर प्ले करना है लॉन्ग और शॉर्ट करने का, ठीक है। तो ये BTC का मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कॉइन का, ओके, जिसका नाम है सिया कॉइन, ओके। और अगर आप लोग क्रिप्टो के पुराने खिलाड़ी हो, तो 2018-19 में हमने सिया कॉइन का दमखम ज़रूर देखा था, मतलब कि बहुत चर्चित ये कॉइन रहता था, और बहुत सारे लोगों ने इसमें निवेश किया था, इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद से इसकी प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आ गई थी। बट अभी क्या है कि मेरे ख्याल से बाइनेंस और जो कुछ एक्सचेंजेस है वहाँ पे इसको डीलिस्ट किया हुआ है, बट स्टिल आप इसको क्रैकन पे आपको मिल सकता है, पोलोनिक्स पे मिल सकता है, तो इसके अंदर अभी भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, 100% यहाँ पे उछाल है, वापस से ब्रेकआउट यहाँ से लिया था, इसके बाद से वापस इसमें 11-12% के आसपास है, ठीक है। तो सिया कॉइन को अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे अच्छा खासा जो एक फॉलिंग वेज है, इसको ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, वापस से रिटेस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एक एंट्री है, लास्ट 4 डिजिट 1051 के आसपास आप इसको ले सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक होल्ड करके रखना, और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर ये आपको इजीली 30% के आसपास मुनाफा दे सकता है, सिया कॉइन SC, ये मैं बता रहा हूँ इन पेयर ऑफ BTC, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एटम की, बात करते हैं कॉस्मोस की, बात करते हैं, यानी कि ये भी एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है और बार बार इस लेवल पे हिट होकर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट लिया था, वापस एक रेड कैंडल बना है, इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये जो एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री मेरे हिसाब से बन सकती है जो है 9.66 के आसपास, ठीक है। तो इसमें हम एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा, वो मैं आपको बता सकता हूँ, एक क्विक टारगेट हम यहाँ पकड़ सकते हैं, हमारा TP1 पकड़ सकते हैं इसको, ठीक है, और TP2 जो है वो हम पकड़ सकते हैं लमसम, थोड़ा हम लंबा रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस हिसाब से, इस लेवल पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हमारा TP2 हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर है आप इसको कितना होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये एक बाउंस बैक लेता है, तो यहाँ पे 10% के आसपास, और यहाँ से 30-40% के आसपास आपको मुनाफा दे सकता है, एटम कॉस्मोस दे सकता है, ठीक है। एंट्री ले रहे हैं, अगर इसके नीचे आता है तो आपका जो SL होगा वो लमसम 9.1 के आसपास होगा, ठीक है। SL हिट होता है
वो जाने दो, बट लॉस लंबा नहीं करना, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड्स मेरे हिसाब से मुझे लग रहे हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेना एक शॉर्ट टर्म के लिए, होल्ड करना तो प्रॉफिट मिलेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एप कॉइन की बात करते हैं, इन पेयर ऑफ यूएसडी टीथर है, और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा बॉटम लगा था, पंप हुआ, बॉटम लगा था, पंप हुआ था, और यहाँ पे वापस एक बॉटम लगा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक्युमुलेशन जोन है। एप कॉइन काफ़ी अच्छा खासा चला था, वन डे का ये चार्ट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री बनती है, और हम यहाँ पे अगर फिप के रेशियो को पकड़ते हैं तो हमें यहाँ पे यह टारगेट मिलता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब भी देखिए एक बॉटम जैसा कुछ ही बना है, ये प्राइस इस लाइन को हिट करने आया है, मतलब कि टेस्ट करने आया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी हम एक एंट्री लेते हैं, तो क्विक स्कैल्पिंग वाला भी हम देखते हैं, तो लमसम मेरे हिसाब से 15% यहाँ पे है, गोल्डन रेशियो 23.6, सेकंड गोल्डन रेशियो 49 से 50% के आसपास, और फिर अगर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट 74% से लेकर यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर ऑल्ड कॉइंस का धूम मचा तो उसके अंदर एक पॉइंट जो है ये अच्छा खासा एक धमाल मचा सकता है एकदम बॉटम पे अपने, तो थोड़ा सा इस पर नज़र रखना। ये वही माहौल है जब 2018 का मार्केट गिरा था, सारे ऑल्ड कॉइंस 96% नीचे गिर गए थे, रद्दी के भाव में मिल रहा था, किसी ने नहीं लिया, और फिर पेशेंस था, एक साल डेढ़ साल जिसने इसको होल्ड किया, गजब का पैसा बना लिया लोगों ने इसमें। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे BNB की बात करते हैं, और वी ऑल नो BNB Binance का ज़बरदस्त कॉइन है, और Binance प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का, बॉटम बॉटम बॉटम, डबल बॉटम इंपॉर्टेंट होता है, फटाक से ऊपर गया, उससे भी ज़बरदस्त और मजबूत होता है ट्रिपल बॉटम होता है, तीसरा बॉटम यहाँ पे लग गया है, 220 के आसपास आया था, 244 चल रहा है, लॉन्ग टर्म का समझते हो Binance के लिए BNB के लिए, तो 244 पे लो या 220 पे लो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ से अगर ये वापस चैनल के ऊपर तक जाता है, लेट मी सी, तो आपको 40 से 50% BNB दे देगा। BNB के ऊपर जो भी चल रहा था, लॉस उठ चल रहा था, गर्मा गर्मी चल रही थी, वो बहुत कम हो चुकी है, और जब कहते हैं ना कि मार्केट सुधरता है तो वो सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती कि कहाँ चली गई, ठीक है, सारे ऑल्ड कॉइंस ऊपर भागते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बना के रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल था, इसको BNB ने नहीं तोड़ा कभी भी, और तोड़ा तो बहुत झटके से ऊपर वापस आ गया, वापस यहाँ पर सपोर्ट मिला, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, उससे नीचे का इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल BNB का 180 के आसपास है, ठीक है। तो ये BNB का मैंने बता दिया है, इसमें हाथ मारना अगर आपको सही लगे तो। चलिए नेक्स्ट कॉइन जो है हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लो की बात करते हैं, और इसके अंदर भी एक फॉलिंग वेज बना है, ब्रेकआउट होने के कगार पे है, ओके, और प्राइस ऊपर गया था, वापस रीटेस्ट कर रहा है, और मेरे हिसाब से रीटेस्ट के आसपास यहाँ पे एक एंट्री ये बनती है इस लेवल पे, और उसका मैं क्विक SL भी आपको दूंगा इस लेवल पे, ठीक है। SL जो है यहाँ पे आपको 0.6 का SL दूंगा, राइट नो 0.66 के आसपास चल रहा है, ये हीट होता है तो निकल जाना, फिर नीचे वाली एंट्री पे हम वापस से एक नया एंट्री बना सकते हैं, बट SL पकड़ के चलो, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, टारगेट अपना जो है और 1 है, उसके बाद से 1.4 के आसपास टारगेट इसके अंदर है, फ्लो के अंदर, ठीक है। तो फ्लो अगर अपने फ्लो में आ गया तो ये भी धमाल मचा सकता है, ठीक है। वन डे का चार्ट है, फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, तो भैया यहाँ पे चांदी ही चांदी। GRT की बात करते हैं, वन डे का चार्ट है, GRT में थोड़ी सी देरी हो गई एक दिन की, अदरवाइज अगर यहाँ पे एंट्री लिया होता तो 24-25% मिल सकता था, कोई बात नहीं, एंट्री हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से वापस से रीटेस्ट हो रहा है, इसका आपको एंट्री लेवल आपको दूंगा 0.11 के आसपास, आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं GRT के अंदर, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, और SL आपको पकड़ना है तो 0.099 के आसपास आप SL पकड़ लेना, और इसके अंदर भी हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं GRT के अंदर, अच्छे खासे टारगेट का इन द सेंस 30-40% के आसपास आप इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। फाइनली C98 को कवर करना चाहता हूं, और इसमें ब्रेकआउट से हम थोड़ा सा लेट हो गए देखने के लिए, बट ब्रेकआउट काफ़ी पॉजिटिव हुआ है, ये अभी भी सारे मार्केट जो ऑल्ड कॉइंस हैं वो थोड़े से नेगेटिव के अंदर हैं, बट ये स्टिल 6% से ऊपर के आसपास चल रहा है, और राइट में इसकी प्राइस चल रही है 0.1738 के आसपास चल रही है, आप चाहें तो इसमें एंट्री ले सकते हैं, SL मैं दूंगा 0.14 का दूंगा, अगर अभी आपको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो चुका है तो मैं आपको कहूँगा एंट्री पॉइंट वन होगा 0.15 के आसपास होगा, बट वी नेवर नो कि अगर ये अपने फ्लो में ऊपर निकल गया तो शायद ये दाम मिले, तो यहाँ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पहला टारगेट होगा 0.23 के आसपास, उसके बाद जो टारगेट होगा 0.34 के आसपास टारगेट होगा, यानी कि यहाँ से करंट प्राइस से भी हम देखते हैं तो 35% से ले के आपको
100% के आसपास अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों दिस वाज अ क्विक एनालिसिस ऑन बीटीसी, उसके साथ ऑल्ट कॉइंस को हमने कवर अप किया है, उसके साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑक्टा एफएक्स पे प्लीज अकाउंट ओपन कर लीजिए। शाम को जो भी मेजर पेयर्स हैं उसके कॉल्स सिग्नल्स जो होंगे वो लाइव में आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेवरेज उठा सकते हैं 1:500 का। चीज़ें काफ़ी सिंपल है, प्लस बेटकेट में भी आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ, ऑल्ट कॉइंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।